दोस्तों, कुछ साल पहले थाईलैंड में अमर बॉर्डर के पास कुछ हाथियों ने वहां बिछी लैंडमाइन ब्लास्ट में अपने पैर खो दिए। ब्लास्ट के बाद इन हाथियों की सिचुएशन बिगड़ सकती थी, लेकिन ये सभी हाथी लक्की थे क्योंकि जब ये एक्सीडेंट हुआ तो वहां पर एक ऑस्ट्रेलियन वेटरनरी डॉक्टर एक एंजल की तरह वहां मौजूद थी। वैसे तो उस लेडी डॉक्टर ने थाईलैंड में बहुत से एनिमल्स का ट्रीटमेंट किया था, लेकिन हाथियों को नई लाइफ देकर उन्होंने कमाल ही कर दिया। ये लेडी डॉक्टर हाथियों के लिए बनाए गए वर्ल्ड के फर्स्ट एनिमल हॉस्पिटल को ऑपरेट करती है। हाथियों ने जब लैंडमाइन ब्लास्ट में अपने पैर खो दिए, तब इस डॉक्टर ने वहां की एक प्रोस्टिट्यूट फैक्ट्री की मदद से घायल हुए हाथियों के लिए एक प्रोस्टिट्यूट लेग डिजाइन करवाए, और इन लेग्स के तैयार होते ही इन्हें हाथियों के पैर की जगह फिट कर दिया गया। ये हाथी इस प्रोस्टिट्यूट लेग को तब भी पहनते हैं जब इन्हें चलने फिरने की जरूरत होती है। रात को सोने के समय इन लेग्स को निकाल दिया जाता है। दोस्तों, इस एंजल डॉक्टर का नाम डॉक्टर क्लोए है। इन्हें जंगल डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इस डॉक्टर के काम के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।